आप कोशिश कीजिए कि आप उनको माफ कर दीजिए। उसकी गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप उनको जिताइएगा, माफी गलत नहीं है, माफी गलत नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे ओसामा का न सिर्फ मुसलमानों ने विरोध किया, बल्कि विरोध करने वाले मुसलमानों का जमकर पिटाई कर दी गई, कुटाई कर दी गई। ओसामा के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता मानो गुंडागर्दी पर उतर गए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, 4 में से एक बेलागंज की सीट है जो आरजेडी के लिए बड़ा मुसीबत है। हालांकि रामगढ़ भी उतना ही मुसीबत है, लेकिन चर्चा सबसे अधिक बेलागंज की हो रही है, क्योंकि बेलागंज सुरेंद्र यादव लालटेन का गढ़ माना जाता है। विगत 34 वर्षों से लगातार यहां पर लालटेन जलता आया है, लेकिन इस बार उपचुनाव में लालटेन मानो बुझने के कगार पे है और इसकी बौखलाहट आरजेडी के कार्यकर्ता नेताओं के अंदर भी देखने को मिल रही है। और इस बात को समझना है तो इस तस्वीर को देखिए। सुरेंद्र यादव माफी के लायक नहीं है, इस तरह के नारे मुसलमानों के टोले मोहल्लों में लग रहे हैं। ओसामा आरजेडी के नेता, दिवंगत सांसद सुहाबुद्दीन के बेटे हैं, वो बेलागंज पहुंचे, मुसलमानों को टोले में पहुंचे और वहां पर वो सुरेंद्र यादव के कामों को लेकर, गलतियों को लेकर माफी मांग रहे थे। लोगों से कह रहे थे कि उन्होंने जो गलती की है उसे माफ कर दिया जाए। जब लोगों ने इसका विरोध किया कि सुरेंद्र यादव माफ़ी के लायक नहीं है, तब ओसामा के जो कार्यकर्ता थे, आरजेडी सुरेंद्र यादव विश्वनाथ यादव जो कैंडिडेट थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, उन्होंने विरोध करने वाले मुसलमानों की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल ये तस्वीर लक्ष्मीपुर का है। लक्ष्मीपुर में ओसामा का विरोध हुआ, ओसामा के कार्यक्रम का विरोध हुआ, जिसके बाद ओसामा के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता मानो गुंडागर्दी पर उतर गए और उन्होंने जमकर पिटाई कर दी, उत्पात मचाया। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर लक्ष्मीपुर की है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी मुस्लिम और यादव गठजोड़ पर चलती है, लेकिन ये गठजोड़ कैसा है? जब अगर कोई कार्यकर्ता, कोई वोटर विरोध करे तो क्या उसके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा? क्या आरजेडी वाले गुंडागर्दी पर उतर जाएंगे? क्योंकि सुरेंद्र यादव को लेकर कहा जाता है कि सुरेंद्र यादव विरोध नहीं देखना पसंद करते हैं और उनको लग रहा है कि जो माहौल है बेलागंज का वो उनके विपक्ष में है, तो ऐसे में वो बौखलाहट जो उनकी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। चूँकि विश्वनाथ यादव के जो कार्यकर्ता थे, ओसामा के जो कार्यकर्ता थे, वो विरोध को देख नहीं पाते और तुरंत जो है वो वहाँ पर लपड़ तपड़ चालू कर देते हैं, विरोध करने वाले लोगों की जमकर पिटाई कर देते हैं, कुटाई कर देते हैं। मानो मेरे लिए तस्वीर देखने के बाद कहना आसान हो गया है कि आरजेडी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर गए। ओसामा जिनकी नई नई कह सकते हैं कि राजनीति में एंट्री हुई है, राजनीतिक तौर पे जो सभा है शायद पहली बार इन्होंने किया है इस तरह की सभा, और पहले सभा में ही भारी विरोध हो गया। ओसामा को लेकर कई तरह के चर्चाएं होती है कि मुसलमानों की पकड़ है, लेकिन बेलागंज की तस्वीर बताती है कि मुसलमान ओसामा को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के बीच, जब वो सुरेंद्र यादव को लेकर माफ़ी मांग रहे थे, तो उन्होंने जो समाज के लोग थे, मुसलमान कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने सीधे तौर पर विरोध कर दिया और कहा कि सुरेंद्र यादव माफ़ी के लायक नहीं है। बहरहाल इन तस्वीरों को लेकर आपका क्या ख्याल है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।